नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं संविधान चौक पे, जहां आप देख सकते हैं कि हजारों आशा वर्कर्स ने आज बहुत ही बड़ा धरना आंदोलन किया है। आइए जानते हैं उनकी की मांग क्या है। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति मिश्रा है, मैं जिला महासचिव हूँ और 2008 से ये आशा वर्कर का काम कर रही हूँ। हम घर घर में जाके सर्वे कर रहे हैं, कोरोना के पेशेंट निकाल रहे हैं, कोरोना के पेशेंट को फाइया वो दवा बांट रहे हैं, उनका ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनका थर्मामीटर ले रहे हैं। हम उन्हें कोरोना के इसमें हार नहीं मानी है, हम घर घर में जाके उनका सर्वे किए हैं। और आरोग्य मंत्री कहते हैं कि हमारे तिजोरी खाली है, हमारे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ पैसे नहीं है। वो जब डॉक्टर का काम कर रहे हैं, हम लोग एनएम का काम कर रहे हैं, फिर हमको तनख्वाह क्यों नहीं चाहिए? हम 2008 से काम कर रहे हैं, 15 साल हमारी सर्विस हो रही है, तो हमको फिक्स वेतन होना चाहिए। हम इतना महामारी का काम कर रहे हैं, कितना वेतन होना चाहिए? 18,000 फिक्स वेतन होना चाहिए और शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। कोरोना काल में आपने इतनी मेहनत की, आपके हजारों आशा वर्कर्स बाहर निकल के जब सब लोग दुनिया घर पर थी, आपने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद भी सरकार आपको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है तो पूरी महाराष्ट्र की यंत्रणा पूरी बंद हो चुकी है, अभी भी और बंद रहेंगी। हम जो डॉक्टर का काम करें, एनएम का काम करें, तो यंत्रणा कैसे चलेगी? हम घर घर में जाके डाटा कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इसके पहले भी आपने तो इतने आंदोलन किए, उसका तो कोई प्रतिफल सरकार की तरफ से आपको मिला नहीं, फिर आगे आपके क्या प्लान्स है? हम थाड़ीनाथ आंदोलन जो महाराष्ट्र में करना है, हमारे ऊपर पुलिस केसेस लगाए, पहले भी केसेस लगाए हैं उन्होंने, उनको तो शर्मनाक की चीज़ ही नहीं है। पुलिस विभाग के साथ में हमने काम किया है तो उनको समझना चाहिए। हमारी बहनें हमारे साथ में काम करिए, वो तो सरकारी अधिकारी है, हम तो फुल अधिकारी भी नहीं है, हमको कर्मचारी का दर्जा भी नहीं है। हम पुलिस विभाग के साथ में काम कर रहे हैं तभी हमको केसेस लगा रहे हैं, हमारा आंदोलन छेड़ रहे हैं, हमको तकलीफ दे रहे हैं। हमारे अध्यक्ष को उन्होंने लेटर दिया है, हम उनको उठा के लेके जाने वाले थे, लेकिन मैंने मेरे आशा भगिनी को रास्ते पे उतार कर नारे लगाए। हमारा जो आंदोलन दड़पचाई का प्रयत्न करेगा, उनको हम सरकार को दिखा देंगे कि हमको उनको जवाब देना पड़ेगा, हमको वेतन चाहिए। कल भी मीटिंग नहीं लगाए तो हम रास्ते पर उतर के हम पुलिस विभाग को डरेंगे नहीं, हम आंदोलन करेंगे और रास्ते पर हमारी भाई लोग उतरेंगी। हमारा ये निवेदन तुम उस मुख्यमंत्री के तरफ पहुंचा दो आज की आज, नहीं तो फिलहाल हम रास्ते पर उतरेंगे। आंदोलन कब तक आप करने वाले हो? अगर आपकी मांग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा आंदोलन महाराष्ट्र में ऐसा ही चलता रहेगा। जैसा कि आपने देखा है कि आशा वर्कर्स ने अपनी जो इच्छा है वो बताई है कि उनको जो फिक्स वेतन है वो चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में भी उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया है, अपने जान की बाजी लगाते हुए भी उनको बाहर निकली है और उन्होंने अपना काम किया है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव। वरना कुछ भी खाली करो। आरोग्य मंत्री मुद्दा